गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग का जो व्लॉग है वो ट्रेवल व्लॉग नहीं है, एक इंटरेस्टिंग व्लॉग है, एक फनी व्लॉग है, जिसमें मैं आपको कौन से अल्फाबेट वाले पर्सन किस तरह के होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी कोर्स नहीं किया है, ना ही कोई ज्योतिष किया है, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है वो करने में। जस्ट मैंने एक थोड़ा स्टडी किया है और रिसर्च किया है किसी एक चीज़ पे कि किस तरह के पर्सन कैसे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मुझे आप कमेंट कुछ मत कीजिए, क्योंकि मैं ही कमेंट देने वाला हूँ। पॉजिटिव कमेंट ही, अच्छे कमेंट ही है, पूरा डिटेल्स नहीं, जस्ट एक कमेंट दूंगा कि ए वाले लोग कैसे होते हैं, बी वाले किस तरह के लोग होते हैं। तो फिर मैं शुरू करता हूँ। आज का जो इंटरेस्टिंग वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ए नाम वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। ए मीन्स जो है, ए नाम से जिनका, ए इस अल्फाबेट से जिनका नाम शुरू होता है, और जो काम में रहते हैं वो काम में उनको मतलब एक आगे होते हैं वो चीज में। अगर हाउस मतलब एक प्रोफेशन में रहेंगे तो प्रोफेशन में आगे रहेंगे, बिजनेस में रहेंगे तो बिजनेस में आगे रहेंगे, और जिस किसी भी काम में रहेंगे उसमें उनका जो माइंड रहता है काफी आगे रहता है, और थोड़े से छुपे रुस्तम होते हैं वो, और एक थोड़े से मतलब पैसा खर्चा करने में भी एक थोड़े से हल्का सोच समझ के करते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है किसी को हेल्प करने की वहाँ पे वो दिलदार हो जाते हैं। वहाँ पे वो कोई मतलब उनको वो नहीं रहता है कि मुझे पैसे, जहाँ हेल्पिंग नेचर रहता है मतलब उनका। अभी हम बात करते हैं बी वालों की। बी वाले पर्सन किस तरह के होते हैं। बी वाले पर्सन एक्चुअल में बहादुर होते हैं, और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, बलवान भी होते हैं, और बस इतना ही है बी के लिए। उसके बाद आता है सी। सी के लोग किस तरह के होते हैं। सी के लोग जहाँ तक मैंने देखे हैं काम होते हैं, काफ़ी काम मीन्स शांत स्वभाव के रहते हैं, अच्छे रहते हैं, शांत रहते हैं, अपना काम करते हैं अच्छी तरह, किसी को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। उनके लिए इतना ही कमेंट है, वो काम रहते हैं। और डी वालों के लिए, डी वाले किस तरह के लोग होते हैं। डी वाले जो रहते हैं वो एक उनको एक दिलदार बोल सकते हैं, वैसे वो भी खर्चा सोच समझ के करते हैं, लेकिन जिनसे वो प्यार करते हैं या जो उनके अच्छे रिलेशन में रहता है, उनका खास मित्र रहता है, कोई फ्रेंड है, कोई किसी घर वालों के लिए उनका अच्छा प्यार है, उनके लिए वो कितना भी खर्चा करते हैं। और जहाँ तक उनके नेचर का सवाल रहा, उनकी उनकी जो मतलब रहते हैं वो अच्छे खासे पर्सन रहते हैं डी नाम वाले। उसके बाद ई एफ का मुझे आइडिया नहीं है। जी वाले, जी वाले जो पर्सन है वो असूलों वाले होते हैं, और गुस्से में वो मतलब उनके मतलब गुस्से उनको जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। पर्सन वो भी ठीक ठाक अच्छे रहते हैं, और उल्टा असूलों वाले रहते हैं, जो बोलते हैं ना कि एक असूलों पे चलना। उसके बाद आ जाते हैं हम एच के लिए। एच वाले जो पर्सन होते हैं वो एक मिजाज उनको एक मिजाज वाली अच्छी लाइफ चाहिए, ठाठ वाली लाइफ चाहिए, वो भी खर्चा वगैरह करने में कुछ सोचते नहीं है, उनको एक मतलब कि एक अच्छी खासी ठाठ वाली एक हाई फाई जिंदगी चाहिए, अपने नीचे उनको असिस्टेंट हो, और वो बिंदास पे खर्चा करेंगे, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जे के लिए। जे वाले जो पर्सन होते हैं वो काफ़ी होशियार भी होते हैं, और उनको वो चीज़ पे प्राउड भी रहता है, थोड़े प्राउडी भी रहते हैं, लेकिन उनका दिमाग काफ़ी अच्छा रहता है, तेज़ रहते हैं, काम काज में अच्छे रहते हैं, और उनको एक्चुअल में मतलब वो एक थोड़ा प्राउड भी रहता है, मतलब दोनों चीज़ें आ जाती है वहाँ पे। आ जाते हैं हम के पे। के नाम वाले पर्सन कैसे होते हैं। के नाम वाले पर्सन काफ़ी हद तक कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब उनको कोई किसी चीज़ में अगर उनको कोई किसी कोई काम कराना चाहते हैं किसी से, और वहाँ पे उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उनका काम अटक गया है किसी भी चीज़ की वजह से, लेकिन वो काफ़ी कोऑपरेटिव रहते हैं, सब चीज़ें समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है उनकी। आ जाते हैं एम एल पे। एल अल्फाबेट वाले पर्सन व्यक्ति कैसे होते हैं। एल वाले एकदम समझो जैसे गाय होते हैं, गाय जैसा नेचर होता है उनका, एकदम शांत, एकदम कूल, काफ़ी अच्छे रहते हैं वो भी। आ जाते हैं एम पे। एम मीन्स कि उनके एम वाले मस्त होते हैं, थोड़े कंजूस होते हैं, लेकिन इंसान अच्छे रहते हैं।
गाइस मुझे लग रहा है कि आज का ब्लॉग यहाँ तक ठीक है, बाकी आगे के जो अल्फाबेट्स हैं वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगा। गाइस इसमें मुझे आप कोई कमेंट करके कुछ पूछिए नहीं, क्योंकि जितना मुझे पता था मैंने आपको उसमें इन्फॉर्मेशन दे दी है, और ये इन्फॉर्मेशन एक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से है, एक जस्ट फन फन वाला वीडियो है, ये कोई सीरियसली लेने वाला कोई टॉपिक नहीं है। और जरूरी नहीं है कि जो मतलब चीज़ें हैं हर आदमी पर्सन टू पर्सन वो उसके ऊपर रहता है, कि जरूरी नहीं है कि जैसे अभी सेम नाम वाले सेम राशि वाले भी पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे राम भगवान है, और उसके बाद र पे ही राम भगवान भी है रावण भी है, क पे ही कृष्णा भी है कंस भी है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है, एक दूसरे के एकदम विरुद्ध है। तो इसीलिए ये जस्ट एक हमारा फनी वीडियो है, और आप ये कैसा लगा आप इसको, अगर आपको अच्छा लगे तो ये लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको आगे के जो अल्फाबेट जो बचे हुए नेक्स्ट व्लॉग में हम करेंगे उसको कंटिन्यू। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइस, हमने पिछले व्लॉग में अल्फाबेट एम तक किया था, और इसमें हम कंटिन्यू एन से कर रहे हैं। एन वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, एन पे तो मेरा भी नाम आता है, और मैंने एन पे एक्चुअल में दूसरों के नाम पे स्टडी मेरा हो नहीं पाया है, इतना रिसर्च हो नहीं पाया है, लेकिन एन पे मेरा खुद के नाम पे ही रिसर्च हुआ है, खुद को ही स्टडी किया है, जिसमें एक एन नाम वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, एक तो क्लियर कट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और दूसरा किसी भी काम में रहेंगे तो उसमें सिंसेरिटी रहती है एन नाम वाले व्यक्ति की। उसके बाद आ जाते हैं हम, उसके बाद एन के बाद आता है ओ, ओ पे कोई नाम ही नहीं मालूम है तो उनके बारे में कैसे मालूम रहेगा, ओ पे तो ओम नाम आता है, वो तो कोई पता नहीं है उस पे, और ओपो नाम आता है, ओपो तो मोबाइल का नाम है, ओ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। पी नाम वाले पर्सन कैसे होते हैं, पी नाम वाले पर्सन के लिए एक ही कमेंट है, वो काफ़ी पोलाइट होते हैं और अच्छे ही होते हैं। उसके बाद आता है आर, आर नाम वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, आर नाम वाले पर्सन मनी माइंडेड होते हैं, उनका पूरा फोकस अपने काम पे रहता है काफ़ी हद तक, और वो अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट भी होते हैं, और उनसे कोई आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकता है, उनको अगर कभी कुछ ऐसा कुछ गलती हो जाती है उनको अंदर में महसूस होता है, रियलाइज होता है कि हमारी गलती है, लेकिन वो कहाँ पे एग्री नहीं कर सकते हैं, और उनका फॉल्ट भी रहेगा तो एग्री नहीं करने वाले हैं। बाकी बाकी पर्सन अच्छे रहते हैं, लेकिन वो मनी माइंडेड रहते हैं थोड़े। उसके बाद आ जाता है एस, एस नाम वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनके लिए एक ही कमेंट है, हर बात में अच्छे होते हैं, काफ़ी हद तक परफेक्ट होते हैं। टी नाम वाले थोड़े अनोखे होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, उनके बारे में इतना ही पता है मुझे। उसके बाद आ जाता है यू, यू नाम के लोग कैसे होते हैं, यू नाम वाले लोग जो रहते हैं उनका हाई थिंकिंग रहता है, अच्छा थिंकिंग रहता है, और वो अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहते हैं। उसके बाद आ जाता है वी, वी वाले जो है उसमें दो बातें हैं, वी में जो मेल है उन थोड़े ज़्यादा ही गुस्से वाले होते हैं, मैं जैसे मैंने आपको बोला जी वाले गुस्से वाले होते हैं, वैसे ही मैंने देखा है वी वाले भी गुस्से वाले होते हैं और ज़्यादा ही गुस्सा रहता है, लेकिन अगर उसमें बात आ जाती है फीमेल्स की तो फीमेल्स में वी नाम के जो फीमेल्स रहेंगे वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, उनमें कोई गुस्सा नहीं कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वैसे भी मेल फीमेल में अगर हम सोचेंगे तो मेल ज़्यादातर उनका मतलब ये जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जो गुण होते हैं तो उसमें जो है गुस्से का गुण कम रहता है, ज़्यादा उनमें गुस्सा नहीं रहता है फीमेल्स में, अच्छे रहते हैं काफ़ी बी नाम वाले। डब्ल्यू एक्स वाई जेड पे ना मुझे नाम पता है ना कोई उसमें कमेंट है, कुछ उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, नाम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है। वैसे मैंने सोचा था कि दो ब्लॉग इसके अलग बनाऊंगा, लेकिन एक ब्लॉग रहेगा तो आपको भी देखने में तकलीफ नहीं होगी, इसके लिए मैं ये ब्लॉग को उसी ब्लॉग से ज्वाइन कर रहा हूँ, और ज़रूर मुझे बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।